आज का हमारा टॉपिक है डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइंस। देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कैन नॉट हैव मोर पॉजिटिव रूट्स देन द चेंजेस ऑफ साइंस इन एफ एक्स, और साथ ही में एंड कैन नॉट हैव मोर नेगेटिव रूट्स देन द चेंजेस ऑफ साइन इन एफ ऑफ माइनस एक्स। एक इक्वेशन से डील करते हैं। अब जैसे हम अपने आप ही कोई इक्वेशन ले लेते हैं, कोई एफ एक्स का इक्वेशन लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का पावर 7 प्लस x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने अपने आप से एक इक्वेशन ले ली है fx की। तो ये क्या बता रहा है, इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मोर पॉजिटिव रूट्स देन द चेंजेस ऑफ साइंस इन fx। तो चेंज ऑफ साइन हमें देखना है। तो यहाँ हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो चेंज हमारा कितना आ रहा है, यहाँ नो चेंज, ये पहला चेंज, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीन चेंज है हमारे। तो कैन नॉट हैव मोर पॉजिटिव रूट्स देन द चेंजेस ऑफ साइंस इन एफ एक्स। मतलब एफ एक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 पॉजिटिव रूट्स हमें मिलेंगे, और साथ ही दूसरा चीज क्या है, कैन नॉट हैव मोर नेगेटिव रूट्स देन द चेंजेस ऑफ साइन इन एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ एक्स से हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं, ये क्या होगा 2 माइनस एक्स का पावर 7, यानी ये हो जाएगा माइनस 2x का पावर 7 प्लस माइनस एक्स का पावर 5, ये भी हो जाएगा माइनस एक्स का पावर 5 माइनस 4 माइनस एक्स का पावर 3, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, प्लस 4x क्यूब और ये 2 माइनस एक्स, यानी ये माइनस 2x और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ माइनस एक्स में हम लोग चेंज ऑफ साइन देखते हैं। तो इसमें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये नो चेंज, ये पहला चेंज, ये दूसरा चेंज, तो सिर्फ दो चेंज है हमारे पास। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि f ऑफ x में 2 नेगेटिव रूट्स हैं। ये है डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइंस। अब 3 पॉजिटिव रूट हैं, 2 नेगेटिव रूट हैं, यानी हमारे पास टोटल 5 रियल रूट्स हमें मिल गए हैं। 0 यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जब हम एफ एक्स में 0 एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स के टर्म सारे 0 हो जाएंगे, लेकिन माइनस 6 बचेगा, इसलिए 0 हो नहीं सकता। 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मिला के हमारे पास 5 रियल रूट्स आ गए। पर देखें तो यहाँ जो डिग्री है हमारी x का पावर ये है 7, तो टोटल रूट्स होने चाहिए 7। अब 5 रियल रूट्स हैं तो बात आती है कि बचे दो क्या होंगे, तो बचे दो हमारे होंगे इमेजिनरी रूट्स, वो कितने हो जाएंगे 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अब इसका एक स्टैंडर्ड भी हम लोग ले सकते हैं कि एक कोई इक्वेशन है एफ एक्स जिसका हाइएस्ट पावर n है, इसके p पॉजिटिव रूट्स हैं, q नेगेटिव रूट्स हैं, तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे, ये होंगे n माइनस p प्लस q, जो हमने यहाँ पर किया n जैसे हमारा टोटल 7 था, p प्लस q हमारा 3 प्लस 2 5 था। तो ये है हमारा डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइंस।